जब भी लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे
पी टोटल, तो पी टोटल मतलब क्या होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट वन प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट टू, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो पी वन और पी टू की जो वैल्यू यहाँ पे हमें मिली उसे हम यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है। उसके पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि एक्स वन प्लस एक्स टू मतलब फॉर बाइनरी सॉल्यूशन हमारे पास टू कंपोनेंट है, तो दोनों के जो मोल फ्रैक्शन है उसका एडिशन हमें क्या मिलेगा, वन मिलेगा, ठीक है। एक्स वन प्लस एक्स टू इज इक्वल टू वन, तो हमें एक्स वन इज इक्वल टू क्या मिलेगा, वन अपॉन एक्स टू। एक्स टू यहाँ पे प्लस फॉर्म में है, उस साइड जाएगा तो माइनस फॉर्म में, तो एक्स वन इज इक्वल टू वन माइनस एक्स टू। वैसे ही हमें अगर एक्स टू फाइंड करना हो यहाँ पे, तो एक्स टू इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब कि x1 फाइंड करना हो तो हमें 1 में से x2 को माइनस करना है, अगर x2 फाइंड करना है तो 1 में से हमें x1 माइनस करना है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन ले रहे हैं इसीलिए x1 प्लस x2 दिया, ठीक है। अगर हमारे पास तीन कंपोनेंट है तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का एडिशन कितना मिलना चाहिए, 1। अगर फोर कंपोनेंट है तो उसका भी एडिशन, मतलब कि जो भी जितने भी कंपोनेंट है सबके मोल फ्रैक्शन का जो एडिशन है वो हमें कितना मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। चलो अब यहाँ पे हम लोग पी वन और पी टू की वैल्यू पुट करें। पी वन इज इक्वल टू क्या है, पी वन जीरो इंटू एक्स वन, पी वन जीरो इंटू एक्स वन, और पी टू इज इक्वल टू पी टू जीरो इंटू एक्स टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि एक्स वन, अब यहाँ पे एक्स वन है तो एक्स वन की जगह पे हमें वन माइनस एक्स टू, मतलब यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू पुट करनी है। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि यहाँ पे हमें एक्स टू की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे x1 की वैल्यू पुट करके एक इक्वेशन डिराइव करके दे रही हूँ, आपको अपने आप खुद से क्या करना है, x2 की वैल्यू पुट करनी है और वहां पे आपको एक दूसरा इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। न्यूमेरिकल में अगर आपको ये क्वेश्चन में आता है तो आप दोनों में से जो भी इक्वेशन लो तो आपका आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इक्वेशन डिराइव कर रही हूँ, हम लोग एक्स वन की वैल्यू पुट कर रहे हैं, एक्स वन इज इक्वल टू क्या करना है, वन माइनस एक्स टू, वन माइनस एक्स टू प्लस पी टू जीरो इंटू एक्स टू, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी वन को वन से मल्टीप्लाई करना है और पी वन को एक्स टू से मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, पी वन जीरो इंटू पी वन जीरो इंटू एक्स टू। दोनों को पी वन को एक बार हमने वन से मल्टीप्लाई किया और दूसरी बार एक्स टू से, प्लस पी टू जीरो इंटू एक्स टू, ओके। अब आपको क्या करना है, माइनस आएगा पी वन जीरो इंटू वन माइनस पी वन जीरो इंटू एक्स टू। अब आप लोग क्या करोगे, इसे रीअरेंज करना, मतलब जो प्लस वाला है ना उसे आगे ले आओगे माइनस वाले के पीछे, मतलब पी वन जीरो प्लस पी टू जीरो इंटू एक्स टू माइनस पी वन जीरो इंटू एक्स टू। अब आप लोगों को क्या करना है, एक्स टू एक्स टू यहाँ पे है तो एक्स टू एक्स टू को कॉमन करना है, तो पी वन जीरो प्लस एक्स टू इन ब्रैकेट पी टू जीरो माइनस पी वन जीरो, तो ये हमारा इक्वेशन हो गया पी टोटल। तो पी टोटल का इक्वेशन हमें क्या मिला, पी वन जीरो प्लस एक्स टू इन ब्रैकेट पी टू जीरो माइनस पी वन जीरो, ओके। अब आप लोगों को क्या करना है, खुद से हमने यहाँ पे एक्स वन की वैल्यू पुट की ना, आप लोगों को एक्स टू की वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों को ऐसा ही एक दूसरा इक्वेशन मिला।